तब्दीली सरकार में तब्दीली के नए नए स्पेल आ रहे हैं। आईजी के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली की भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों पर गौर किया जा रहा है। विफाकी सेक्रेटरी दाखला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान, विफाकी सेक्रेटरी तजारत अहमद नवाज सुखेरा और डॉक्टर एजाज मुनीर दौड़ में शामिल हैं। तीनों नाम वजीर आजम को मंजूरी के लिए भिजवा दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। हसन रजा, बताइएगा यूसुफ नसीम खोखर को क्यों तब्दील किया जा रहा है और नए अफसर के लिए किसके नाम का कुर्रा निकलने वाला है? हसन रजा से भी तफसीला जानेंगे। आपको बताएं कि तब्दीली सरकार में तब्दीली के नए स्पेल, आईजी के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली की तैयारियां कर ली गई। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों पर गौर किया जा रहा है। वफाकी सेक्रेटरी दाखला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान, वफाकी सेक्रेटरी तजारत अहमद नवाज सुखेरा और डॉक्टर एजाज मुनीर दौड़ में शामिल हैं। तीनों नाम वजीर आजम को मंजूरी के लिए भिजवा दिए गए हैं। वजीर आजम की जानिब से मंजूरी मिलेगी और फिर पता चलेगा कि किसका नाम कुर्रे में निकलता है। तब्दीली सरकार में तब्दीली के नए स्पेल देखने को मिल रहे हैं। आईजी के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली की तैयारियां जारी हैं। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों पर गौर है। वफाकी सेक्रेटरी दाखला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान, वफाकी सेक्रेटरी तजारत अहमद नवाज सुखेरा और डॉक्टर एजाज मुनीर दौड़ में शामिल है। वजीर आजम को मंजूरी के लिए नाम भिजवा दिए गए हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से बताया जाएगा कि नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा। आईजी पंजाब के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली की तैयारियां जारी हैं। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों पर गौर किया जा रहा है। विफाकी सेक्रेटरी दाखला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान, विफाकी सेक्रेटरी तजारत अहमद नवाज सुखेरा और डॉक्टर एजाज मुनीर इस दौड़ में शामिल हैं। तीनों नाम वजीर आजम को मंजूरी के लिए भिजवा दिए गए हैं। आपको अपडेट करें कि तब्दीली सरकार में भी तब्दीली के नए स्पेल देखने में आ रहे हैं और पहले आईजी पंजाब की तब्दील किए गए हैं और अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली की तैयारियां की जा रही हैं। आईजी पंजाब के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली की तैयारियां की जा रही हैं। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों पर गौर किया गया है और इन 3 नामों में विफाकी सेक्रेटरी दाखला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान शामिल हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हसन रजा से। हसन, बताइएगा कि यूसुफ नसीम खोखर को तब्दील क्यों किया जा रहा है और नए अफसर के लिए किसके नाम का कोरा निकलेगा? देखिए, 3 नाम जो है वो भिजवाए गए हैं, जिसमें आजम सुलेमान साहब का नाम है, अहमद नवाज सुखेरा है और तीसरे नंबर पे जो नाम सामने आ रहा है वो खुद डॉक्टर एजाज मुनीर, जो कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है। और इनके हवाले से बताया जाता है कि तीनों में से कोई एक नाम जो है वो समरी भिजवाई गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तीनों में से किसी एक नाम का जो है फाइनल किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो यूसुफ नसीम खोखर जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, इनके ये ऑफिसर तो इंतहाई शरीफ हैं, लेकिन परफॉर्मेंस शायद वो नहीं दे पाए जो कि इमरान खान का विजन था, जो इमरान खान साहब या पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती थी। इन पर बहुत सारे इल्जाम ये लग रहे हैं कि शायद ये इनका वजीर आला ऑफिस से या वजीर आला के साथ कोई मामला कोई रबते बेहतर नहीं बन पाए। ये अपने ऑफिस में नहीं बैठते, पार्लिमानी सेक्रेटरी और मेम्बरान असम्बली और खासतौर पर आवाम जब यहाँ पर आती है तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती और दफ्तर में ना होने की वजह से उनको शदीद खुआरी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे फाइलें रुक जाती हैं, बहुत सारे मामला जो है वो पेंडिंग रहते हैं। और इसी तरह यूसुफ नसीम खोखर पर यह भी इल्जाम है कि शायद वो उस तरह अपनी टीम बना सकते पंजाब में और अपने कुछ 7 ऐसे टीम के अफराद लेके आए जिनकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो इंतहाई खराब रही और खासतौर पर पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में मोस्टली वो लोग शामिल रखे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ था और उनके साथ हमदर्दियां रखते थे। इस हवाले से बहुत सारे मामला चलते रहे, लेकिन अभी भी जो लगाए गए हैं दोबारा कहीं वो भी यूसुफ नसीम खोखर साहब ने अपने कुछ नाम तजवीज किए, जिसमें भी अगर देखा जाए तो कुछ वही अफराद के नाम शामिल किए गए जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, इसमें सेक्रेटरी जो है अब्दुल्ला सुबल भी शामिल है, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शौकत अली भी शामिल है, इसमें दीगर अफसरान शामिल हैं जिनको दोबारा तैनात किया गया है। वो इसी वजह से परफॉर्मेंस है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें 10 अप्रैल 2019 को इमरान खान साहब जब लाहौर आए थे तो मुलाकात उसी उसमें बहुत तहफात का इजहार किया था कि ये नहीं होना चाहिए, आप हमें बेहतर टीम होनी चाहिए, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो है वजीर आला की जाने से ये अच्छा इकदाम लिया जा रहा है कि कुछ ऐसी टीम नहीं बनाने पर फोकस किया जा रहा है जिससे परफॉर्मेंस बेहतर हो, पंजाब की गुड गवर्नेंस बेहतर हो सके, आवाम के मसाइल हल हो सके, आवाम के जो अफसरान के दरवाजे हैं वो खुले रख सकें। ये ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान तो किया गया था, लेकिन ये ओपन डोर पॉलिसी जो है वो चीफ सेक्रेटरी दरवाजे बंद रखे और इस तरह के बहुत सारे मामला सामने आए जिसको गुड गवर्नेंस ना हो बाहर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का मामला जो है वो जेरे गौर है। नाकिस कारकर्दगी पर यूसुफ नसीम खोखर को तब्दील किया जा रहा है।